नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम उपस्थित हैं राजस्थान बोर्ड की महत्वपूर्ण परीक्षा रीट के विषय में। और रीट की जो परीक्षा है अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा है, और इसलिए क्योंकि एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर हमें अपने भविष्य के लिए मार्ग मिल जाता है, यानी एक ही परीक्षा को पास करने पर हमें अपने जीवन के लिए नौकरी का रास्ता मिल जाता है। और अब इसमें परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित है, परीक्षा प्रवेश पत्र भी आ चुके हैं। तो जिन व्यक्तियों ने अब तक जो अध्ययन किया है, जिन छात्र छात्राओं ने अब तक जो अध्ययन किया है, वे कोई नया विषय नहीं पढ़ें, और जो भी विषय पढ़ रखा है उस विषय का ही पुनर अभ्यास करें, तथा जो सब्जेक्ट हैं उनकी जो शिक्षण विधियाँ हैं उन पर अधिक से अधिक ध्यान दें। शिक्षण विधियों के अध्ययन से ही आपकी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि व्याकरण आदि तो लगभग सब पढ़ लेते हैं, लेकिन शिक्षण विधियाँ, अब जिन व्यक्तियों के पास संस्कृत है वे इस चीज़ का अभ्यास करें कि वह प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है। आपसे उत्तर आता होगा, लेकिन आपके अगर समझ में यही नहीं आया कि प्रश्न कैसे हल करना है, तो आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो पुराने पेपर हैं, 2-3 साल के होंगे, तो उनका जो ओरिजिनल पेपर आते हैं राजस्थान बोर्ड के रीट के, उनको डाउनलोड करके और उनका पुनः पुनः अभ्यास करें, तो परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है इसका आपको पता चल जाएगा। और जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, शिक्षण विधियों को अधिक से अधिक पढ़ें, तथा सेकेंड लेवल वाले शिक्षण विधियों के साथ ही अपने जीके का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।